प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लिए लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और भारत की तरफ से होंगी कश्मीरी पत्रकार अनिका नजीर, और ये दोनों बात करेंगी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आज भारत से अनिका नज़ीर, और अनिका को हम यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और कश्मीर पे बहुत दबंग तरीके से बात करती हैं, और हमेशा ही हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में रहकर हम नहीं समझ पाते वो कई बार हमें अनिका की वीडियोस से पता लगता है कि किस क्या माहौल है और क्या कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया अनिका, क्या जा पाई हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरजू जी, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे, ज़ाहिर कश्मीर से ही शुरू करेंगे। अभी इलेक्शंस हुए हैं, आपके ख्याल से काफ़ी टाइम के बाद ये इलेक्शंस जो है करवाए गए हैं, कैसा रहा माहौल, लोग निकले बाहर और लोगों ने वोट किया, या एक जो पाकिस्तान में इम्प्रेशन है कि डर और खौफ का माहौल है, लोग बाहर नहीं निकलते, बहुत सारी फौज खड़ी हुई है, तो क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट पाकिस्तान के ऊपर, वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट हो या वहाँ की आर्मी हो, उनके ऊपर एक अलग ही इम्प्रेशन होता है इंडिया को लेकर, और जिसके चलते वो फिर कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिनकी वजह से उनको खुद फिर नुकसान उठाना पड़ता है। हम सेकेंड इंडो पाक वॉर की भी बात करें, तब भी पाकिस्तान को लगा कि हमें जो अमेरिकन है वो हमें बैक करेंगे विद आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, और वो हमें जो है हम बहुत आसानी से जो है इंडिया के ऊपर हमला कर पाएंगे, बट दे फेल्ड। लाइकवाइज उनके ऊपर आज भी इम्प्रेशन है, और वो ये बताना चाहते हैं लोगों को कि कश्मीर में जो है ऐसे कुछ खास हालात नहीं है। भले ही वो इंडियन मीडिया को अपने मुल्क में बैन करते हो, उसके बावजूद वो ऐसा नैरेटिव अपने लोगों को बेचना चाहते हैं, सो दैट वो उनको मैनिपुलेट करते रहे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है हालात ठीक नहीं है। बट जम्मू एंड कश्मीर का जो वोटर टर्नआउट है वो सबसे बड़ा उनके चेहरे पे तमाचा है कि डेमोक्रेसी जो है, फुल फ्लेज जो डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, वो किस तरीके की होती है और किस तरीके से वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, और किस तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन जोन को एक पीस जोन बनाया जा सकता है, ये उन्हें हमारे देश हिंदुस्तान से सीखना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एक तरफ तो हमारे दोनों कंट्रीज में मीडिया जो है हम एक दूसरे का नहीं देख पाते, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कोई डिश वगैरह लगा रखी है तो वो फिर भी न्यूज चैनल्स या दूसरी न्यूज देख लेते हैं। आपके ख्याल से सोशल मीडिया तो खैर एक ऐसी जगह है जहां पे बैन नहीं किया जा सकता, वैसे हमारे यहाँ वो भी है लेकिन हम फिर भी उसको VPN के जरिए ऑन कर लेते हैं। काफी सारी चीजें, काफी सारे लोगों की सोच जो है भारत को लेकर, कश्मीर को लेकर चेंज हुई है सोशल मीडिया की वजह से। आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया, या यूट्यूब हो गया, ट्विटर, फेसबुक वगैरह, इसको आप कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं? सी, वेब देर आर प्रोज देर आर कॉन्स। सोशल मीडिया के अपने फायदे भी है और अपने नुकसान भी है, लेकिन जहां तक इंडो पाक जो रिलेशन है उसकी बात करें, या नैरेटिव सेटिंग की बात करें, या नैरेटिव बिल्डिंग की बात करें, सोशल मीडिया ने पहले से ही एक रोल तो प्ले किया है। अब वो पॉजिटिव रोल प्ले किया है या नेगेटिव रोल प्ले किया है, या लोगों को अवेयर किया है, या लोगों को किसी ऐसे नैरेटिव से बाहर निकाला है जो उनको नुकसान पहुंचाता था, वो एक सही टॉपिक है। वो एक सही सवाल आपने मुझसे पूछा कि खासकर जो पाकिस्तान के लोग हैं, आम लोग, आपको पता है, आप भी खुद पाकिस्तान में रहती हैं, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस या सोशल मीडिया जो है इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है प्रेस को, प्रेस के जरिए से हमारे तक हम तक जो है एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। बट ऐसा भी देखा गया है, चाहे वो आपके मुल्क में हो या हमारे मुल्क में हो, कुछ मीडिया आउटलेट्स ऐसे भी होते हैं जो बायस्ड होते हैं, या ऐसा भी होता है जो फेक न्यूज चलाते हैं,
बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मीडिया में ऐसा ऐसी चीजें होना जरूरी है कि अगर वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन भी है तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को क्रैक करने के लिए एक दूसरा आउटलेट भी होना जरूरी है, ताकि लोगों को जो है वो जो ड्यूअल नैरेटिव है वो दोनों ही उनके साथ सामने रखा जाए, सो दैट वो डिसाइड करें कि उनको क्या जो है अज्यूम करना है या ग्रास्प करना है अपने लिए। आपके मुल्क की बात करें तो वहां पे लोगों का जिस तरीके से हम उनके यू नो ओपिनियंस देखते हैं, जानते हैं, उससे तो यही पता चलता है कि मीडिया ने उन्हें बहुत बेखबर रखा है। और खुद अवेयर होने की जहां तक बात है, जब आपके यहाँ कांस्टेंट इंटरनेट शटडाउन हो या एक वन साइडेड रिपोर्टिंग हो रही हो, या एक पूरी कंट्री का मीडिया हाउस जो है आपकी कंट्री में बैन हो, तो उन नैरेटिव को जाहिर सी बात है सप्रेस किया जा रहा है, तो लोगों को कहाँ से पता चलेगा या लोगों को अपने ही गवर्नमेंट के बारे में कैसे पता चलेगा। रिसेंटली मैंने जब आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे बुलाया था, तब आपने ये बात जाहिर की कि हमें कोई इजाजत नहीं है कि हम जान पाए कि हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है हमारे देश में, अलग अलग जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हो या बाकी काम हो, एक सिटीजन जो होता है उसके पास ये राइट टू इंफॉर्मेशन का हक जो है वो होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए उसकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब उसके पास वो भी नहीं है तो वो कैसे जान पाएगा, वो जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क के कायदे कानून जो है या उसका जो सिस्टम है सेटअप जो है वो कैसे चलता है, खासकर जो गवर्नमेंट कैसे चलती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसमें डेमोक्रेसी होती है और वो डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक होती है, तो उस ग्रास रूट तक उस ग्रास रूट को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो मीडिया के जरिए से लोगों को अवेयरनेस भी होनी चाहिए। उसमें एक नैरेटिव सेटिंग जो है, मुझे लगता है अब पाकिस्तान के काफी सारे लोगों को जब हम देखते हैं वो इस पर बात करते हैं, एक अलग ओपिनियन रखते हैं, और जो नौजवान पीढ़ी है शायद वो चाहती है कि हम लोग इंडो पाक जो डिस्कशंस हैं उनको डिस्कस करें, या जो दूसरा नैरेटिव वहां पे हमेशा बताया जाता है कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन द एनिमी ऑफ पाकिस्तान, इट्स नॉट द राइट थिंग। अगर हम हिस्ट्री के पन्नों को खोलकर देखें, इंडिया हैज नेवर प्रोवोक्ड पाकिस्तान, जस्ट आफ्टर द मोमेंट पाकिस्तान गॉट पार्टीशन फ्रॉम इंडिया, तब से अगर हम देखें जो भी चीजें प्रोवोकेशन की है वो आपके साइड से शुरू हुई। और मुझे एक चीज पता है बहुत बुरी भी लगती है कि पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकती थी, बट कहते ना बदकिस्मती से सिर्फ एक ही आपका हमने जो लियाकत अली खान एक डेमोक्रेटिकली जो लीडर चुने गए, उसके बाद तो भी अंडर के अंडर उनको जो है असासिनेट किया, उनके फिर सक्सेसर कुछ कोई और आए किसी और की मदद की वजह से। एंड मुझे लगता है कि मीडिया इन सब चीजों में रोल प्ले करता है। अगर वहां के नौजवान पीढ़ी को ये बताया जाए कि पार्टीशन के बाद क्या हुआ उनके मुल्क में, क्यों वो पीछे रह गए जबकि वो छोटी कंट्री है, शायद वो बूस्ट करने में आपकी कंट्री को हेल्प करेगा। जैसे इंडिया में है, इंडिया में हर तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं और हर एक का एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और हर एक का ओपिनियन सामने आता है। अब जिसको जिसको फॉलो करना है वो उसको फॉलो करता है, कोई किसी को नहीं रोक रहा है। सो दिस इज हाउ मीडिया इज गोइंग टू प्ले द रोल। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैंने भी थोड़ा फील किया कि जब मैं इंडियन मीडिया पर आई या मेरे यूट्यूब चैनल हुआ और मेरे बातचीत शुरू की, तो मैंने देखा कि इंडियन साइड पे लोगों ने अपने माइंड में बस एक एक पिक्चर बना रखी है कि सब पाकिस्तानी एक ही जैसे होते हैं, सब जो हैं वो या तो एक्सट्रीमिस्ट हैं या वो इंडिया को पसंद नहीं करते या उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जबकि जैसे आपने भी कहा कि हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा ना इस तरफ जाकर भी सोचना होगा कि हर तरह के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन जाहिर है कि जो सामने दिखाई देते हैं, जो मेजोरिटी जो है वो तो एक्सट्रीमिस्ट ही अक्सर ऐसा लगता है कि है शायद। लेकिन दोस्तों आशा करता हूँ कि ये डिस्कशन आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, जहां पे आपने देखा कि आरजू काजमी के सवालों का अनिका नजीर ने ना सिर्फ खूबसूरती से जवाब दिया बल्कि बेबाक तरीके से अपने देश की बात की, यानी कि ये कहा कि मेरा देश हिंदुस्तान। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट
इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।